राजनीति हो रही है। कई दिन बीत चुके हैं इस घटना को और आशीष मिश्र आज रिमांड में भी उनको सौंप दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये जो राजनीति हो रही है, आखिर क्या संदेश देना चाहता है यहाँ से विपक्ष? देखिए शिवानी, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी अपडेट बता दें कि आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जिला जेल से एसआईटी ने पुलिस कस्टडी रिमांड ले ली है। अगले 72 घंटे तक आशीष मिश्रा से एसआईटी सवाल करेगी और पुलिस जो जिला जेल है वहां से निकालकर पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में ले गए। और आप भीड़ देख सकती हैं कि जो पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और गेट को बंद कर दिया गया, यानी इस गेट के अंदर मीडिया की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ पुलिस फोर्स के लोग ही रहेंगे। यानी एसआईटी बंद कमरे में उनसे पूछताछ करेगी, इसे शेयर नहीं किया जाएगा, यानी मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक 10:05 पर उन्हें यहां से जिला जेल से पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच ले जाया गया। इंस्पेक्टर जो सदर हैं उनकी गाड़ी से उनको ले जाया गया, सफ़ेद शर्ट और ग्रे पैंट की पैंट में आशीष मिश्रा को बीच की सीट पर बीच में बिठाकर पुलिस लाइन के अंदर ले जाया गया। अब क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ करेगी, क्राइम सीन पर भी ले जा सकती है, हालांकि अरदास चल रहा तब तक वहाँ नहीं ले जाएगा, लेकिन अब एसआईटी उनसे उन सारे सवालों का जवाब दे लेगी जो अब तक वो नहीं दे पाए हैं। हालांकि उनके अधिवक्ता ने कल कहा था कि हमने 150 फोटोज और वीडियोज दिए थे, उसके बाद भी बार बार ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा का कॉपरेशन नहीं कर रहे थे। अब क्राइम ब्रांच के सवालों का सिलसिला शुरू होगा और सख्त सवालों का सिलसिला होगा कि आखिर वो घटना के दिन 2:36 से 3:40 बजे तक कहाँ थे और उनके साथ कौन कौन से लोग थे। जो शेखर की गिरफ्तारी हुई है, जो अंकित दास की ब्लैक फार्चूनर चला रहा था, उसके बयानों को दर्ज किया जाएगा और जो आशीष पांडे और लव कुश पहले से जेल में बंद हैं उनको भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड 72 घंटे की शुरू हो चुकी है। अब वो एक बार फिर जेल से निकलकर एसआईटी के फंदे में आ चुके हैं, अब उनसे सवालों का सिलसिला शुरू होगा। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसआईटी के अरुण कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, तीन बिल्कुल अजीत, यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि रिमांड में अब आ चुके हैं आशीष मिश्र और आशीष मिश्र किस तरीके से इन सवालों का सामना करेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अजीत देखिए, आज प्रियंका गांधी भी यहाँ लखीमपुर आने वाली, 12:30 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंच जाएंगी, लेकिन उससे पहले लखीमपुर के रास्ते आते हुए पोस्टर भी लगाए गए हैं कि उनकी सहानुभूति नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए बिल्कुल, जो पोस्टर प्रियंका गांधी को लेकर लगे हैं कि 84 के दंगों का जिक्र है, 84 के जो हत्यारों को हैं उनको माफ़ नहीं करेंगे, उनकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, तो एक तरीके से प्रियंका गांधी को भी नसीहत देने की कोशिश की गई और उनको 84 का याद दिलाया गया है जब सिख बहुत संख्या में मारे गए थे। इन पोस्टरों पर सीधे तौर पर लिखा है कि 84 के दंगाइयों के आरोपियों को से सहानुभूति की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अरदास शुरू हो चुकी है शिवानी, उसमें 5 तस्वीरें लगाई गई हैं, 4 किसान हैं, इसके अलावा रमन कश्यप पत्रकार जिनकी मौत हुई थी उनकी तस्वीर भी अरदास में लगाई गई है। किसानों का कहना है कि वो भी किसान का बेटा था तो किसान है, तो 5 तस्वीरें लगाई गई जबकि टोटल 8 की मौत हुई है। 3 लोगों की तस्वीरें वहाँ नहीं है जो विरोधी पक्ष के, और ये भी कहा जा रहा है कि उन 3 को पुलिस ने पहले ही आरोपी बना दिया था। तो अब लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है आशीष मिश्रा से वो बढ़ेगा। प्रियंका गांधी आज फिर आ रही हैं, उनको काले झंडे दिखाने की बात की जा रही है कि शायद उनका विरोध प्रदर्शन भी लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर हो, तो एक बार फिर सियासी जो सरगर्मी है वो लखीमपुर में बढ़ गई है शिवानी। बिल्कुल, सियासी सरगर्मी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और आपको बता दें कि जो आज किसानों का अरदास का कार्यक्रम था वो भी अब शुरू हो चुका है और तमाम राजनेता अब धीरे धीरे वहाँ लखीमपुर तिकुनिया की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच दूसरी ओर आज आशीष मिश्र को 10 बजे रिमांड में ले लिया गया है और आज 10 बजे से 15 अक्टूबर की 10 बजे तक सुबह उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से इन सवालों का सामना करेंगे आशीष मिश्र ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे सवाल थे इससे पहले शनिवार को जब पूछताछ हुई थी तो उस वक्त भी कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे आशीष मिश्र, वो अटक रहे थे। हालांकि सबूत उनकी तरफ से पेश किए गए लेकिन उन सबूतों से कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम जो थी वो संतुष्ट नहीं थी और इसी वजह से 14 दिन की रिमांड पहले मांगी गई थी लेकिन केवल 3 दिन की ही रिमांड मिली और अब इन 3 दिनों में किस तेजी के साथ पूछताछ करती है एसआईटी आशीष मिश्र से, आशीष मिश्र किस तरीके से जवाब देते हैं, हो सकता है उनको घटनास्थल पर भी ले जाया जाए और घटनास्थल का जो सीक्वेंस है पूरी घटना का वो रिक्रिएट कर उनसे लगातार पूछताछ की जाए। और कई ऐसे सवाल थे कि आखिर जिस वक्त ये घटना हुई पूरी तो उस वक्त वो कहाँ मौजूद थे, इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढने की कोशिश करेगी एसआईटी।
लखीमपुर खीरी कांड के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की 3 दिन की न्यायिक रिमांड मिल चुकी है। आज एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। पुलिस लाइन और जेल आमने सामने, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, और इसलिए तैनात है कि आज आशीष मिश्रा की रिमांड पेशी शुरू हो रही है, यानी रिमांड शुरू हो रही है। एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी, जगह जगह ले जाएगी, घटना में जो जो लोग शामिल थे उनको बरामद करने की कोशिश करेगी। उनकी गाड़ी में जो कारतूस मिले हैं वो राइफल किसके पास थी, अगर आशीष मिश्रा नहीं थे तो उनकी राइफल दूसरे के पास कैसे पहुंची, वो भी एक अपराध बनता है 3/25 आरमाइट के तहत। अगर वो थे तो सीधे 302 के आरोपी में उनको आरोप में उनको जेल भेजा गया, और ठीक पीछे लखीमपुर खीरी का जिला कारागार है जहां पर आशीष मिश्रा बंद है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, और लगातार उनके पिता से भी इस्तीफे की मांग की जा रही। हालांकि 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी गई थी, लेकिन तीन दिन की उनको रिमांड मिली है, पुलिस कस्टडी रिमांड यानी PCR मिली है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। तो आशीष मिश्रा इसी जेल में बंद है, और लगातार पुलिस फोर्स भी इसीलिए यहां पर लगाई गई, कोई स्थिति बिगड़े ना। अब आशीष मिश्रा के यानी मुश्किल समय शुरू होता है, उन्हें जवाब देना होगा कि 2:36 से 3:40 तक कहां थे, इसके साथ ही जो उनकी गाड़ी में कौन कौन से लोग थे, जो शेखर नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई जो उस दिन घटना में मौजूद था, संजय नाथ तिवारी उससे पूछताछ कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो अब एसआईटी के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आशीष मिश्रा को देना होगा, और आज से उनकी चूंकि जो पुलिस कस्टडी रिमांड उनकी आज से शुरू हो गई है, अब एसआईटी उनसे लगातार पूछताछ करेगी, उनको घटनास्थल पर भी ले जाया जाएगा। इसके साथ ही एसआईटी अगले 3 दिनों तक यानी 15 तारीख सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा से पूछताछ करेगी और पूरी घटना का पर्दाफाश करेगी। लोगों के लिए कोर्ट में दिया था मैंने लिख के, कोर्ट ने आदेश कर दिया है, वो 5 लोगों की टीम रहेगी, उचित दूरी बना के रहेगी, ठीक है। विवेचना में, जांच में, पूछताछ में किसी प्रकार का व्यवधान अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या क्या यहाँ से पुलिस लाइन से कहीं और ले जाएंगे? अब ये इनका विवेक रहेगा, वो कहाँ पूछताछ करेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे। थैंक यू।